भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत हाई मोर्चे चीन पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा पर युद्ध लड़ रहा है। जनरल रावत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान जैसे बाहरी खतरों के साथ आंतरिक खतरों से भी एक साथ निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। जनरल बिपिन रावत ने साथ ही कहा कि भारत इन विभिन्न मोर्चों पर युद्ध के लिए तो तैयार है ही, लेकिन किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए हमारे पर कई प्रभावी रास्ते भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बताया कि भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बावजूद पिछले 40 वर्षों में वहां एक भी गोली नहीं चली। सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के हालात जल्द ही सुधारने का भी दावा किया। जनरल रावत ने पाकिस्तान पर सोशल मीडिया प्रोपगेंडा के जरिए राज्य के युवाओं को भरमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भ्रामक संदेशों और वीडियो से छेड़छाड़ कर राज्य के युवाओं को बरगला रहा है। घाटी से भी कुछ लोग इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वहीं सैन्य आधुनिकीकरण के सवाल पर जनरल रावत ने कहा कि इसकी तैयारी भी साथ साथ चल रही है। उन्होंने कहा, हम आधुनिकीकरण का मुद्दा सरकार के सामने उठाते रहते हैं और अभी सेना के शस्त्रागार को अपग्रेड किया जा रहा है। जनरल रावत ने कहा कि इसमें 30% उपकरण बेहद आधुनिक हैं, 40% का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और बाकी 30% पुरानी पड़ चुकी है और उसे अपग्रेड करने की जरूरत है।